जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो अभी आपको एक वीडियो दिखाई जाएगी जस्टिस के बाद। उसमें एक प्रोफेसर साहब PhD हैं, तो आप उनकी भाषा देखिएगा कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद उनकी भाषा में कितना मधुर प्यार झलक रहा है। तो उनकी इस वीडियो के बाद हम अपना रिएक्शन देंगे, जो उन्होंने बातें कही हैं उसका जवाब देंगे और उनसे पूछेंगे। तो जो जिस महानुभाव को आप देखने जा रहे हैं उनको शायद आप जानते भी हों, शोएब जमाई। तो बाकी काफ़ी कुछ तो आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं इस वीडियो के बाद। खोल करके सुन ले बाबा, कसम खुदा की कह रहा हूं, अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे, उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहां से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल देना, तुम्हारे बाप का देश। तो कैसी लगी आपको भाषा मिस्टर शोएब जमाई की? PhD होने के बाद एक इतने सम्माननीय पद पे है, टीचर है, जो एक इस देश का भविष्य, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बनाता है, उनके मन में अगर इतना जहर भरा हुआ है तो आप क्या कहेंगे? तो वो जिसको सिखाते होंगे, सोचिए उनका क्या होता होगा, क्या ही सिखाते होंगे। तो मैं शोएब जमाई जी से यही कहना चाहता हूं कि भारत में अभी भी 96% हिंदू हैं, 96%, समझे, जो कि आपके पूरे अखंड भारत के मुस्लिमों को से भी ज्यादा हैं। और जब अखंड भारत बनेगा तो उसमें नेपाल भी आएगा, जो पूरा एक हिंदू राष्ट्र है, भूटान आएगा, बर्मा आएगा, तिब्बत आएगा, उनके हिंदू बौद्ध, फिर क्या करेंगे आप? और कुछ तो ऐसे भी आ रहे हैं एक्स मुस्लिम्स, 23% पर एनम रेट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं और कोई और धर्म की तरफ जा रहे हैं। तो अखंड भारत हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम अखंड भारत और पूरा अखंड भारत जो है, चलो आदमी कहता है ना कि किसी के जुबान में एक पूरे 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती विराजमान होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि शायद आपके उस मुख पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और अखंड भारत की जो आपने बात कही, परिकल्पना की है, वो सच हो जाए, भारत अखंड हो जाए, और बाकी सब बातें तो बात की हैं। तो मैं अपने सभी व्यूअर से यही कहूँगा कि जो अच्छे अच्छे कमेंट करें शोएब जमाई के बारे में, और उनको बताएं कि वो एक टीचर है, एक शिक्षक है, तो अपनी मर्यादा ना भूलें, या तो शिक्षक रह जाएं या तो पॉलिटिक्स में आ जाएं, बीच में ना अटके। ऐसी जाहिलियत भाषा का प्रयोग एक शिक्षक से शोभा नहीं देता। तो आप सभी से निवेदन है अच्छे अच्छे कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। मैं सभी दोस्तों से, सभी मित्रों से, सभी सनातनियों से ये निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करना है करिए, ताकि लोगों को पता चले कि इतना एजुकेटेड होने के बाद भी इनके मन में कितना जहर भरा हुआ है, ताकि लोगों को इनकी असलियत पता चले। चलिए इसके साथ ही एंड करते हैं इस वीडियो का। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए खुलासे के साथ। जय हिंद, जय भारत।